लेकिन पाकिस्तानी आवाम के दिलों में कोई भी बाइक तब तक वैल्यू नहीं बना सकता जब वो होंडा CG125 को बीट ना कर सके। डजेंट मैटर कि उस बाइक की लुक्स कैसी हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी जो है क्वालिटी कैसी है, उस बाइक की लुक्स कैसी हैं और उस बाइक का कंफर्ट लेवल किस तरह का है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती तब तक जब तक ये CG125 को बीट नहीं कर सके। Assalamualaikum everyone, hope you all doing good, welcome to another video. So thumbnail से तो idea हो चुका होगा कि आज की video है वो किस topic के बारे में है। अगर तो आप मेरे old subscriber हैं तो आपको इस बात का idea होगा कि मेरे पास Yamaha का YBR125G 2018 model जो कि old version में था वो था मेरे पास, जो कि recently मैंने sell out किया है। उसके sell out करने के क्या factor से आज की video में वो आपके साथ share करेंगे। सबसे बेसिक फैक्टर उसको सेल आउट करने का ये है कि उस बाइक की जो है पावर टू वेट रेशियो वो कम है। उसकी मेन वजह ये है कि उसमें लिमिटर्स यूज़ किए गए हैं, लाइक उसके एयर इनटेक को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया है जिसकी वजह से उसकी जो पावर तो रिड्यूस हो चुकी है लेकिन उसके इंजन की लाइफ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। लिमिटर यूज़ करने से आपकी इंजन की पावर डेफिनेटली डाउन होती है लेकिन उस जो इंजन की है परफॉर्मेंस लाइक एवरेज वाइज वो बेहतर हो जाती है और उसकी लाइफ जो है वो भी ज़्यादा होती है। ऑल्दो कि यामाहा ने जो लेटेस्ट मॉडल उसके इंट्रोड्यूस करवाए हैं उसमें उन्होंने उसके कार्बोरेटर को थोड़ा सा चेंज किया है जिसमें उसके जेट को चेंज किया है और उसके अलावा उसके एयर इनटेक को भी थोड़ा चेंज किया है जिसमें उसके जो फिल्टर है एयर फिल्टर उसको थोड़ा चेंज किया है और उसके अलावा जो उसका एग्जॉस्ट है उसको थोड़ा फ्री फ्लो किया है जिसकी वजह से उसकी साउंड जो है बाइक की वो भी थोड़ी इंक्रीज हुई है और जो है उसका जो पावर जो है वो भी कंपैरेटिवली ओल्ड मॉडल्स के थोड़ी बेहतर हुई है। लेकिन पाकिस्तानी आवाम के दिलों में कोई भी बाइक तब तक वैल्यू नहीं बना सकता जब वो होंडा CG125 को बीट ना कर सके। डजेंट मैटर कि उस बाइक की लुक्स कैसी हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी जो है क्वालिटी कैसी है, उस बाइक की लुक्स कैसी हैं और उस बाइक का कम्फर्ट लेवल किस तरह का है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती तब तक जब तक ये CG125 को बीट नहीं कर सके। लेकिन मेरा ऐसा कोई माइंडसेट नहीं था, मुझे इस बाइक की थोड़ी पावर टू वेट रेशियो थोड़ी कम लगती थी स्टॉक, क्योंकि इस बाइक को मैंने स्टार्ट से ही स्टॉक यूज़ किया है, इसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं की, लेकिन ये बाइक मुझे कंफर्ट लेवल के लिहाज से बहुत अच्छा लगा। इस बाइक पे मैंने लॉन्ग राइड्स भी की हैं, इसका कम्फर्ट लेवल बहुत अच्छा है, सो मेरे लिए ये फैक्टर नहीं था इसका लिए। सेकेंड जो फैक्टर है और जो मेन फैक्टर है इसमें वो ये है कि मैं ये अकेला बाइक यूज़ नहीं करता था, मेरे साथ मेरे फादर भी इस बाइक को यूज़ करते थे तो वो इस बाइक को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते थे। लाइक जैसा कि आप लोगों को आइडिया होगा कि जो YBR है वो जो बैग से थोड़ा ऊंचा है तो जो ओल्ड एज पर्सन हैं उनके लिए बाइक को राइड करना और मतलब ऊपर उस पर बाइक पर चढ़ना और उतरना थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो ये एक मेन फैक्टर था जिसकी वजह से मुझे बाइक चेंज करना लाजमी हो गया। मैंने इस बाइक को तकरीबन 2-2.5 साल यूज़ किया है और इसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, वेल मेंटेन्ड बाइक थी ये। आप कंडीशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लास्ट पिक्चर्स हैं जो मेरे पास सेल आउट होने के टाइम इसकी थी। सो काफ़ी अच्छा बाइक, काफ़ी अच्छा टाइम रहा इस बाइक के साथ। सो नेक्स्ट हम जो है विद इन 1 वीक नेक्स्ट बाइक जो है वो डिसाइड करेंगे, सो तब तक के लिए इजाज़त दें। सो नेक्स्ट बाइक जब आती है तो दोबारा आपके साथ शेयर करेंगे कि वो बाइक हमने क्यों परचेज की और उसमें क्या फैक्टर्स थे। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।